स्वामी जी भिंगार में जब दोबारा उत्तरार्ध काल में आए हैं, उस समय स्वामी जी का 20 दिन का निवास है। जब स्वामी जी अरण्य ग्राम में थे तो अरण्य ग्राम के अंदर साधा जी, उनकी माता लहमाईसा, उनकी सहेली रत्नमानिका, ये सब स्वामी जी के वहाँ सन्निधान में रह रहे थे। बाईसा जी हैं, नागदेवाचार्य जी हैं। जब स्वामी जी अरण्य ग्राम में निवास कर रहे थे तो एक दिन लहमाईसा जी को बुखार आ गया और स्वामी जी घूमते घूमते साधा के पास गए तो साधा जी को कहा कि तुम भिक्षा के लिए क्यों नहीं गई हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी माता जी को बुखार है। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारी माता को हम देखेंगे, तुम भिक्षा के लिए जाओ। तो काफ़ी दिन मतलब वो बुखार नहीं गया, आखिर में स्वामी जी भिंगार के लिए निकले तो साधा जी कहती हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। स्वामी कहते तेरी माता को बुखार है? वो कहती नहीं जी, मैंने आपकी सोमवार के दिन जो वो त्यौहार आ रहा है उस दिन मैंने आपकी पूजा करनी। स्वामी कहते ठीक है, तुम्हारे सोमवार की पूजा हम भिंगार में स्वीकार करेंगे, तुम तुम्हारी माता के पास रहो। तो स्वामी जी वहाँ से अरण्य ग्राम से भिंगार आ जाते और जब सोमवार आने वाला है, समझे शनिवार या रविवार है, तो वो पैकिंग करती है, वो अपना सामान वगैरह बांधती है और अपनी माता को कहती है कि तुम यहीं पे रुक जाओ, मैंने स्वामी जी को वादा किया हुआ कि मैं सोमवार को आपकी पूजा करने के लिए भिंगार में आऊँगी, तुम साथ में जाओगी तो तुम्हें बुखार है, सारे सफ़र में अड़चन आएगी। उन्होंने अपनी पैकिंग की तो लहमाईसा जो साधा जी की माता है वो भी अपना सामान बांधने लगी। तो तुम, साधा कहती है कि तुम क्यों सामान बांध रही हो, तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अगर मुझे कुछ अड़चन आई तो मैं वहाँ रुक जाऊँगी, तुम आगे चले जाना। तो रत्नमानिका, उनकी जो सहेली है, और लहमाईसा माता और साधा तीनों वहाँ से निकलते हैं स्वामी जी की पूजा करने है, लेकिन पैसे तो पास में नहीं है, इसलिए वहाँ पे एक गांव में पाटिल है, उस पाटिल के घर में वो गेहूं पीसने का काम करती और उसके बदले में तीनों को ही तीन तीन दाम मिलते हैं। साधा जो है वो स्वामी जी के लिए सामान लेने के लिए जाती हैं तो वो दोनों भी कहती हैं कि तुम तुम्हारा सामान लेने जा रही हो स्वामी जी के पूजा का, तो हमारे लिए भी ले आओ, तो वो भी उनको अपने तीन तीन दाम जो है वो दे देती हैं। फिर साधा जी बाज़ार में जा कर के तीन माला लेती हैं, तीन गुड़ की ढेलियाँ लेती हैं और तीन जो है वो पान के वीड़े लेती हैं। और जब वो सामान लेकर के आ रही होती हैं तो उनको रास्ते में प्यास लग जाती है और वो किसी एक ब्राह्मण के घर में, उनकी बाहर के बरामदे के पास खड़े होकर उनसे पानी मांगती हैं। वो पानी लेके आते हैं, ये पानी पीने के लिए वो जो लिया हुआ गुड़ और जो बाकी सामान है वो उस बरामदे की जो ड्योढ़ी है वहाँ पे रखती हैं और वहाँ पे पास में ही एक बछड़ा बांधा होता है, वो झट से, इनका ध्यान पानी पीने में है, वो झट से इनकी एक गुड़ की जो ढेली है वो खा लेता है। बड़ी दुखिस्त होती कि ये गुड़ की ढेली किसकी खाई, माँ की खाई, सहेली की खाई कि मेरी खाई, तो मेरी या भागी की ना, वो थोड़ी ये कहेंगे कि मतलब हमारी खाई, तुम लेके आए हो सामान तो तुम्हारी गई समझो। वैसी दुखिस्त भाव में घर में आती है जहाँ पे रुके हुए हैं और उनका उनका सामान उनको देते हैं और भिंगार में पहुँचते। तब स्वामी जी आदित्य मंदिर के चौक के उत्तर की साइड में जो छोटा स्थान है दीवार के साथ, वहाँ पर स्वामी जी आसनस्थ हैं और तीनों ही वो जो स्त्रियां हैं वो आती हैं। लहमाईसा अपना सामान स्वामी जी को अर्पण करती हैं और उनकी जो सहेली हैं रत्नमानिका वो भी देती हैं। साधा जी भी अपनी फूलमाला और तांबूल मतलब पान का वीड़ा स्वामी जी को देती हैं। तो स्वामी कहते हैं कि साधा, इन दोनों ने गुड़ की ढेली दी, तुमने गुड़ की ढेली क्यों नहीं दी? फिर वो साधा सारी बात बताती हैं जी कैसे कैसे हुआ। तो स्वामी जी पास में ही बाईसा जी खड़ी हैं, स्वामी जी कहते हैं भाई
तुम ते गुड़ असे, तुम्हारे पास अंदर गुड़ है क्या? हाँ जी, तो लाओ सादा को दो, ये हमें अर्पण करेगी। सादा कहती ये क्या बात हुई जी, आपका ही लेके आपको देना, ये क्या बात बनी क्या कुछ? उसके ऊपर स्वामी जी उनको निरूपण करते कि सादे हो कवणाते काई असे, हे सकल ही देवाचे की माँ देव देते आपुले। जीव का अपने पास है क्या? जो कुछ है वो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर जो हमें अर्पण करते हैं, जो जीव को अर्पण करते हैं, वही आपने हमें देना चाहिए। वो भी एक प्रकार से हमने आपको दिया, मतलब आपका हो गया। तो इस तरह से फिर अपना बाईसा जी गुड़ लेके आती हैं, सादा जी को देती हैं, सादा स्वामी जी को अर्पण करती हैं।